मैंने बनाए थे ये हेल्दी चिल्ला जो बहुत ही टेस्टी बने। तो चलिए शुरू करते हैं। इसके लिए मैंने रात भर ये मिक्स दाल और चावल भिगो दिया था। अब इसको पीसना है, तो जिसके लिए मैं यहाँ पर लहसुन और हरी मिर्च डालकर इसका एक स्मूथ सा बैटर बना लूँगी। अब इस बैटर को 10 से 15 मिनट के लिए रेस्ट के लिए छोड़ना है, तब तक अपन यहाँ पर चटनी बना लेते हैं। तो मैंने यहाँ पर प्याज, टमाटर और लहसुन लिया है, ऊपर से नमक डालकर इसको हल्का बारीक सा पका लेता है। इसके बाद इसको मिक्सी जार में डालकर और ऊपर से धनिया पाउडर, हरी मिर्च और जीरा डालकर इसको पीस लेते हैं। तो ये देखिए अपनी चटनी बिल्कुल से तैयार है। 10 से 15 मिनट हो गए हैं, तो अभी यहाँ पर ये बैटर है, इसमें मैं नमक डाल रही हूँ और हल्का सा पानी डाल कर इसको 5 से 7 मिनट के लिए अच्छे से फेंटना है। तो ये देखिए कितना अच्छा एकदम से स्मूथ बैटर बन गया है। तो तवा है वो अपना अच्छे से गर्म हो गया है, उस पर हल्का सा पहले ऑयल लगाना है, पानी के छींटे मारकर बाद में जैसा आपको ये दी चिल्ला है वो हल्का मोटा बनाना है तो उस हिसाब से आप बैटर को स्प्रेड कीजिएगा। और मैं यहाँ पे पतला बना रही हूँ तो उस हिसाब से मैं इसको सेक रही हूँ। तो ये देखिए चिल्ला है वो अपना बिल्कुल से तैयार हो गया है। इधर मैं आपको एक और बनाकर दिखा देती हूँ। तो ये देखिए ये बहुत ही टेस्टी बने थे खाने में, आप भी इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इसको मैं ऊपर से थोड़ा सा इसमें मसाला भी ऐड करूँगी, जिसके लिए मैंने यहाँ पर एक होममेड मेरा मसाला है वो थोड़ी सी लाल मिर्च पाउडर और प्याज और हरा धनिया डाला है। तो आप भी नाश्ते में ये बना सकते हैं, ये बहुत ही टेस्टी लगता है और हेल्दी भी बहुत होता है। तो ये देखिए कितने अच्छे लग रहे हैं और खाने में भी ये बहुत ही टेस्टी हैं। तो आप भी घर पर ज़रूर बनाइएगा। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट में मुझे ज़रूर बताना। थैंक यू।